दोस्तों फिल्म की शुरुआत ही दिल दहलाने वाली है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की फोटो देखकर एक मास्क के बने कंकाल से एक रिंग निकालता है और उसे अपने गले में लॉकेट के साथ पहन लेता है और फिर उस मास्क के कंकाल को बर्नर के अंदर जला देता है और बची हुई राख को एक बोतल में भर कर रख लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वह एक मास्क का सूट पहनकर कंटेनर से बाहर निकल रहा है जहां पर जोम्बीज का कब्जा है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जोम्बीज। और जो भी जोम्बीज उसके सामने आता है वह उसे गोली से मार कर उड़ा देता है और फिर कुछ टाइम के बाद बहुत सारे जोम्बीज उसे घेर लेते हैं, लेकिन हमारा हीरो मशीन गन का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलने में कामयाब रहता है। अगले दिन में एक माँ अपने बच्चे को घर छोड़कर जाने को कहती है, फिर वह बिलखते हुए अपनी माँ से सवाल करती है और उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इसी बीच उनके खिड़की पर एक जोम्बीज अपनी दस्तक देता है और एमा सहम जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि वह पापा है, तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, वह शरीर तो तुम्हारे पापा का है लेकिन वह अब तुम्हारे पापा नहीं है, वह बहुत बीमार हो चुके हैं। उधर वह जोम्बीज घर में घुसने को तैयार है। यह देखकर एमा की माँ हेमा से कहती है कि जैसे ही वह दरवाजा खुले तो वह दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे, जहाँ पर एमा अपनी माँ के साथ रुकने को कहती है लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और एमा को बताती है कि इस घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है क्योंकि उसके पापा जो अब एक जोम्बीज बन चुके हैं थोड़ी देर में घर के अंदर घुस जाएंगे और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ यह भी बताती है कि पिछली बार उसके पिता ने उसको काट लिया था और यदि ऐसा दोबारा होता है तो वह भी जोम्बीज बन जाएगी। माँ एमा को उसके बचपन की याद दिलाती है जब एमा दौड़ा करती थी और उसकी माँ उसको रुकने को कहती है, मगर आज उसकी माँ उसे रोकेगी नहीं, आज एमा को अपनी जिंदगी के लिए भागना पड़ेगा। इन्हीं बातों के बीच जोम्बीज चुपके से घर में घुस जाता है। माँ एमा को पीछे के दरवाजे से भगा देती है जहाँ पर जोम्बीज उसके पीछे चला जाता है। माँ एमा को बचाने के लिए एक पत्थर फेंक कर मारती है ताकि जोम्बीज का ध्यान अपनी तरफ कर सके और वह जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। जोम्बीज उसकी माँ को जमीन पर लेटा कर और उसके कपड़े उतार कर उसे जिंदा ही खा जाता है और यह सीन यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। अब एक महिला को बाकी जोम्बीज से चुपके चुपके दूसरे जोम्बीज का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। वह लड़की जिस जोम्बीज का पीछा कर रही होती है वह एक में घुस जाता है और लड़की उसे बाहर खड़ी होकर देख रही होती है। इसी बीच पीछे से एक आदमी उसे आवाज देता है और उसे अंदर जाने से रोकता है, मगर उस लड़की को सुनाई नहीं देता और धीरे धीरे आदमी उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता हुआ उसके कंधे पर हाथ रखता है। लड़की डर जाती है। वह आदमी उसे समझाता है कि क्या तुम अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कहकर वह उसे वहां से ले जाता है। वह आदमी उस लड़की को एक शांत जगह ले जाकर समझाता है कि जोम्बीज के इर्द गिर्द भी घूमना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जैसे हमें खाने की भूख लगती है वैसे ही जोम्बीज को खून की भूख लगती है। तो वह लड़की उस आदमी को बीच में रोक कर अपने बैग से एक गला हुआ बोर्ड निकाल कर दिखाती है जिस पर लिखा होता है कि मैं सुन नहीं सकती, इसलिए मुझसे बात करने के लिए मेरी तरफ देखकर इशारों में बोलें। वह आदमी अपनी बात को दोहराता है और उस लड़की को अपने साथ आने के लिए कहता है। साथ ही आने की बात को लेकर उस लड़की के मन में उस आदमी के लिए डर सा पैदा होता है। तब वह आदमी उसे समझाता है कि उसके घर पर उसकी बीबी और उसकी बहन है जिन्होंने आज अच्छा खाना बनाया है। यह कहकर वह उस लड़की को अपने घर बुलाता है और लड़की मान भी जाती है। घर की ओर बढ़ते हुए आदमी उस लड़की को बताता है उसकी माँ की तरह सूप कोई नहीं बना सकता। वह लड़की एकदम से रुक जाती है और सोचती है कि पहले तो इस आदमी ने अपनी बीवी और बहन का जिक्र किया था और अब अपनी माँ का जिक्र कर रहा है। फिर इस सवाल को वह लड़की लिख कर पूछते है कि वह बोल नहीं सकती। इस पर वह आदमी कहता है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है और वह फिर अपनी माँ को आवाज लगाता है और वह उस लड़की को ऐसे दिखाता है जैसे उसकी माँ ने उसे वापिस उसका रिप्लाई दिया हो। और यहाँ उस आदमी ने उस लड़की के ना सुन पाने की मजबूरी का फायदा उठाया है। वह घिनौना आदमी उस लड़की के साथ बदसलूकी कर उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है और उसे बिस्तर पर लेटा कर उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर देता है। लेकिन वह चालाक लड़की उससे लिख कर कहते कि मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम चाहते हो लेकिन मेरे कपड़े मत फाड़ो क्योंकि मेरे पास इनके अलावा पहनने के लिए और कुछ नहीं बचा है और मुझे मेरे जूते उतारने दो। उसके शरीर को देखने लगता है। इसी बीच में लड़की अपने जूतों में से एक चाकू निकाल कर उस आदमी पर वार करने वाली होती है। तभी उस आदमी की निगाह उस पर पड़ जाती है और वह फिर बंदूक निकाल कर उस लड़की को डराना शुरू कर देता है। वह उस लड़की को बेसमेंट में ले जाकर रस्सी से बांध देता है और फिर वह उसके कपड़े उतारना शुरू करता है। तभी पीछे से एक जोम्बीज आकर उस पर वार कर देता है और वह मासूम लड़की वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हमें लेफ्टिनेंट कर्नल सोहर को दिखाया जाता है और यह वही इंसान है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। यहां कर्नल सोहर एक ओशन की तरफ जाना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट को पास करना है लेकिन पुलिस उन्हें जाने से रोकती है यह कहकर कि आगे का इलाका क्वारंटाइन है, अगर आप आगे जाएंगे तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और फिर पुलिस और उसके बीच में बातचीत चल रही होती है कि तभी वहां पर एक जोम्बीज आ जाता है जिसे दो गोली मारकर पुलिस कर्मचारी मौत के घाट उतार देता है। कर्नल सोहर के लाख बोलने पर भी पुलिस वाले नहीं मानते। आखिरकार हार कर कर्नल को वहाँ से जाना ही पड़ता है। फिर हमें आगे उस लड़की को एक जोम्बीज के हाथ से बंदूक खींचते हुए दिखाते हैं लेकिन पीछे से एक जोम्बीज आकर उस पर वार कर देता है पर किसी तरह से वह लड़की
कि एक बार अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर एक क्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। फिर आगे कर्नल को ओशन तक जाने के लिए एक अलग रास्ते पर जाते हुए दिखाते हैं, जहां उन्हें एक पुलिसकर्मी मिलते हैं। कर्नल उस पुलिस ऑफिसर को दो खाने की स्टिक्स देते हैं, जिसके बदले वे वहां से आगे बढ़ जाते हैं। पुलिसकर्मी सोहर से उसकी माँ, जो कि अब एक ज़ॉम्बीज बन चुकी है, उसको मारने के लिए कहता है। फिर कर्नल ओशन की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहां पर उसे वह मासूम लड़की दिखती है जो क्रेन पर लटकी हुई है और उसके नीचे एक ज़ॉम्बीज खड़ा है। कर्नल उस लड़की को बचा लेते हैं, लेकिन जैसे वे अपनी गाड़ी की तरफ रुक करते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी गाड़ी पर ज़ॉम्बीज ने हमला बोल दिया है। इसी कारण उन्हें अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से आगे बढ़ना होगा। इसी बीच में उन्हें एक विल्सन नाम का आदमी मिलता है, जो कि एक ज़ॉम्बीज को पकड़कर एक गड्ढे में उसके ऊपर स्टडी कर रहा होता है। फिर कर्नल, विल्सन और वह लड़की रात को खाना खा रहे होते हैं। तब विल्सन बताता है, जो लोग नए ज़ॉम्बीज बने हैं वह बहुत तेज भाग सकते हैं और वह बहुत भूखे भी होते हैं, लेकिन जो ज़ॉम्बीज बूढ़े हो जाते हैं उन्हें चकमा देना आसान होता है। विल्सन साथ में यह भी बताता है कि पास में एक डैम है और वह काफी ज्यादा सुरक्षित जगह है, और वह ज़ॉम्बीज सीमेंट की बनी हुई उन दीवारों को क्रॉस करने में नाकामयाब है, यानी कि वे उन दीवारों को पार नहीं कर सकते। फिर कर्नल उनकी सराहना करते हैं, जहां पर वे विल्सन और लड़की को कहते हैं कि तुम लोग यहां से चले जाओ, क्योंकि मुझे तो ओशन जाना है। विल्सन कर्नल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल अपनी बात पर अड़िग होता है और नहीं मानता, और वह उनसे ओशन का रास्ता पूछते हैं। इधर विल्सन और लड़की रात को बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तभी कर्नल की बोतल जिसमें उन्होंने राख भरी हुई थी उसे देखकर विल्सन सवाल करता है कि इसमें पानी है। कर्नल थोड़ा रुककर बोलते हैं कि जब आउटब्रेक हुआ था तब मिलिट्री ने अच्छे हथियार और सुरक्षा कवच दिए थे, लेकिन फिर भी कर्नल अपने परिवार को बचा ना पाए। कर्नल आगे अब अपनी आपबीती सुनाते हैं और वह बताते हैं कि उनके परिवार को ओशन देखना था, लेकिन वह अपनी पत्नी की हमेशा बात टालते रहे। जब कर्नल अपने घर वापस लौटते हैं तब उन्हें सिर्फ अपने घर में खून मिला था। उनके बच्चे और पत्नी की बॉडी बहुत बुरी तरीके से ज़ॉम्बीज ने खा रखी थी, इसीलिए कर्नल ने उनकी राख को ओशन के पास दफनाना चाहते हैं। विल्सन भी अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहता है कि वह एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसीज बेचा करता था। फिर वह दोनों बातें करते हुए लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें उस लड़की का बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले ही ठीक हूँ। फिल्म में आगे लड़की को एक मॉल में जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसे वह सामने से एक चैन से बांध कर बंद कर रही होती है, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि वह किसी को ढूंढ रही है। और वह लड़की कुछ सुन नहीं सकती, इसलिए उसे ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई नहीं देती, और वह ज़ॉम्बीज एक महिला है जिसने अपने हाथ में एक बच्चा ले रखा है। पर जब लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है तब वह महिला जो भी उसे ढूंढ रही होती है, और वह लड़की अपने साथ कुछ कपड़ों को लेकर उस मॉल के फर्श पर बिस्तर बनाती है और उस पर लेट जाती है। वह महिला ज़ॉम्बीज अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर उस लड़की को बुला रही होती है, लेकिन वह लड़की कुछ सुन नहीं सकती, और आखिरकार वह ज़ॉम्बीज उस लड़की को खोज लेती है, जिसे मारकर बाहर की तरफ भागने में कामयाब हो जाती है। और भागते भागते उसे बीच रास्ते में कर्नल और विल्सन मिल जाते हैं, और अगली सुबह वह तीनों ओशन की तरफ से आते हैं। ओशन पर पहुंचकर कर्नल सोर अपने बच्चों की राख को बीच पर गिराकर खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते और विल्सन और उस लड़की के पास चले जाते हैं। अब स्टेफनी, विल्सन और कर्नल सोहर वहां फंसे लोगों की जान बचाने के मिशन में जुड़ जाते हैं। ऐसा करते वक्त कर्नल को वहां पर उसकी बेटी मिलती है, जिसको एक महिला ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था। अब बेटी को जिंदा देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वह महिला जिसने कर्नल की बेटी को बिल्कुल सुरक्षित रखा था, वह विल्सन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें प्रेसिडेंट बताते हैं इस इन्फेक्शन से बचने के लिए विश्व की आबादी को मिटाना होगा, जिसमें अफ्रीका के लोग पहले मारे गए, क्योंकि वहां से केवल गरीबी ही आती है विश्व भर में। प्रेसिडेंट यह भी बताते हैं कि इन्फेक्शन फैला कैसे। दशकों पहले हमारे वैज्ञानिकों को गोल्ड माइंस के रिमेंस मिले, जिनकी मृत्यु 1807 के प्लेग्यू महामारी में हो गई थी। ऐसा करते वक्त उन्हें एक मोटर भी मिला जिसमें एक अजीब सी हरे रंग की रेडिएशन भी निकल रही थी। जब उन वैज्ञानिकों ने उस मोटर को हथौड़ा मारकर तोड़ा तो उसमें से जहरीली गैस निकली, जिसे लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगे और लोगों को मारने लगे, और ऐसे ही सभी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज बनने लगे, और यह वायरस हर जगह फैल गया। हालांकि पहले इस आपदा को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अभी हाल ही में हमने निर्णय लिया है कि ज़ॉम्बीज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस बार हमसे यह वायरस कंट्रोल नहीं हुआ। और मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई बचता है और इस टाइम इसे देख रहा है तो वह मेरी गलतियों से सीख ले। और अपनी स्पीच खत्म करते हुए प्रेसिडेंट खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद में महिला विल्सन को कर्नल के विरुद्ध भटकाती है, लेकिन विल्सन उसकी बातों में नहीं आता। कर्नल अपनी बेटी के साथ उस रूम में आ जाते हैं और विल्सन और उस महिला को आश्वासन देते हैं कि वे उनकी मदद जरूर करेंगे। फिर वह महिला कर्नल को एक सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में बताती है, जिसके जरिए वह लोग भागने में कामयाब रहे थे। इसके बाद कर्नल डैम के एरिया को सुरक्षित करने में जुट जाते हैं और एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। फिर आखिरी सीन में कर्नल अपनी बेटी को ओशन दिखाते हुए नजर आते हैं, उनके साथ में स्टेफनी भी होती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी के एक्सप्लेनेशन, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।